हरियाणा में चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। अब 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान से पहले हरियाणा में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। साथ ही डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों को हर समय अलर्ट रहने के लिए कहा है। देखिए रिपोर्ट। मतदान से पहले हरियाणा पुलिस अलर्ट। हरियाणा में चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए 225 कंपनियां तैनात। 30,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है। आचार संहिता का पालन कराने के लिए सभी जिलों में पुलिस टीमें नाकों पर तैनात रहकर लगातार चेकिंग अभियान चला रही हैं। पुलिस प्रदेश के हर जिले हर कस्बे में चप्पे चप्पे पर नजर बनाई हुई है। इसी कड़ी में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पूरे प्रदेश में नजर बनाए हुए हैं। चुनाव के लिए 225 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां तैयार हैं। 30,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। 21,000 से ज्यादा होमगार्ड के जवान और लगभग 11,000 एसपीओ की तैनाती की गई है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रदेश में 218 इंट्रास्टेट और 121 इंटर स्टेट नाके लगाए गए हैं। 5 तारीख को हमारी पोलिंग है स्टेट के अंदर और इसके लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था की गई है। और जैसा कि आप जानते हैं 225 केंद्रीय सुरक्षा बलों की कंपनियां हरियाणा में तैनात की गई हैं और इसके अलावा करीब 30,000 पुलिसकर्मी और 21,000 से ज्यादा होमगार्ड और 11,000 जो हमारे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स हैं एक्स सर्विसमैन उनकी भी तैनाती की गई है और इंटरस्टेट नाके हैं 218। 500 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीम का दिखा एक्शन। 60 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई। हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि पूरे हरियाणा में 60 करोड़ रुपए से अधिक की वसूली की गई है। 500 से अधिक फ्लाइंग स्क्वाड टीम और 462 स्टैटिक सर्विलांस टीमों की तरफ से अब तक प्रदेश में 60 करोड़ से अधिक की राशि की वसूली की गई है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने बताया कि लोकसभा में कहीं भी दोबारा चुनाव कराने की जरूरत नहीं पड़ी। इस बार भी लक्ष्य है कि कहीं भी दोबारा चुनाव की आवश्यकता न पड़े। जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम्स हैं जो पूरे स्टेट के अंदर चेकिंग आजकल कर रही हैं और 60 करोड़ से ज्यादा की अभी तक सीजर हो चुकी हैं, तो ये 500 से ज्यादा फ्लाइंग स्क्वाड हैं और 462 हमारी स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स हैं और कुछ क्विक रिएक्शन टीम्स भी हैं उसके अलावा। तो ये सारी व्यवस्था इलेक्शंस को शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष तरीके से और बिल्कुल फेयर तरीके से कराने का एक उसमें कवायद है और इसको जैसे हमने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में आपने देखा कि पूरी स्टेट में कहीं भी रीपोल की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। तो हमारा एम इस बार भी यही है कि हमें बिल्कुल 100% सही तरीके से पोलिंग करानी है ताकि कहीं भी कोई रीपोल की आवश्यकता ना पड़े, कोई भी कोई वायलेंट इंसिडेंट ना हो। हरियाणा में 3,740 क्रिटिकल बूथ बनाए गए। क्रिटिकल बूथों पर पैरामिलिट्री की तैनाती। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने कहा कि हरियाणा में 3,740 क्रिटिकल बूथ बनाए गए हैं। वहां पर सभी जगहों पर पैरामिलिट्री और पुलिस कर्मियों की तैनाती होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 20,000 से ज्यादा कुल बूथ हैं। सभी पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसका कंट्रोल पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के पास रहेगा। 3,740 के करीब हमारे क्रिटिकल और वल्नरेबल जो बूथ्स हैं पूरी स्टेट में, वहां पे सभी जगह पैरामिलिट्री भी लगाई जाएगी और पुलिस की व्यवस्था अलग से। जी हाँ, 20,629 हमारे बूथ हैं पूरी स्टेट में और 100% बूथ के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और उनकी जो फीड है वो जिला कंट्रोल रूम, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस में, कंट्रोल रूम के अंदर, आरओज के पास, और वहां पे पुलिस के हमारे लोग भी मौजूद रहेंगे
और वायरलेस की व्यवस्था भी वहां पे की गई है ताकि जो हमारा कोऑर्डिनेशन है सिक्योरिटी फोर्सेस का और हमारा जो इलेक्शन स्टाफ है उनके साथ आरओज एआरओज के साथ वो अच्छे से बना रहे और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो उसको रिमोटली बूथ को अंदर से देख करके वहीं से रिजॉल्व किया जाएगा और जहां भी आवश्यकता पड़ेगी हर 5-6 लोकेशन के ऊपर एक पेट्रोलिंग पार्टी है हमारी, वो पेट्रोलिंग पार्टी विद इन मिनट्स पहुंच के उसको ठीक करेगी। नू में रखी जाएगी विशेष निगरानी, नू में 13 पैरामिलिट्री कंपनी तैनात की गई। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने नू में चुनाव को लेकर कहा कि पिछले साल हुई हिंसा को देखते हुए नू में विशेष निगरानी रखी जा रही है, यहां 13 पैरामिलिट्री कंपनी तैनात की गई है, रिजर्व और हरियाणा पुलिस भी तैनात है। नू में कहीं भी कोई सांप्रदायिक और चुनाव से संबंधित हिंसा ना हो इसके लिए पूरा जोर है। यहां नू जिले में 13 कंपनियां पैरामिलिट्री की तैनात की गई है और इसके अलावा हमारी जो हरियाणा आर्म्ड पुलिस है और इंडिया रिजर्व बटालियन है उनकी कंपनियां भी वहां पे दी गई हैं और समुचित व्यवस्था वहां पे की गई है ताकि नू में कहीं भी कोई सांप्रदायिक हो या इलेक्शन से रिलेटेड कोई भी वायलेंस ना हो। बहरहाल डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अधिकारियों को साफ और सख्त संदेश दे दिया है कि चुनाव के वक्त कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। ऐसे में हरियाणा न्यूज की भी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोटिंग करें और अच्छे उम्मीदवार को वोट दें। न्यूज डेस्क हरियाणा न्यूज।